तीन देशों की यात्रा से भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरव गान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं। जी नहीं, ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। और मुझे बताया गया अगर आप सुबह 3 बजे से आए हैं भारत की दुनिया में सही पहचान बने, भारत का दुनिया में जय जयकार हो, कोई हिंदुस्तानी इतना खुशियों से भर जाता है को रात को 3 बजे यहां आकर के पहुंच जाता है।